ट्रेडर्स कृपया ध्यान दें, अगर आपको मार्केट में खेलना है ना, तो नीचे जो लाल लाल सब्सक्राइबर बटन दिख रहा है उसके साथ पहले खेलो, उसको दबाओ और उसके बाद आगे बढ़ो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप एन, आपका दोस्त और बाजार इनसाइट के यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे परसों यानी कि मंडे के लिए 11th अप्रैल के लिए चार लो प्राइस इंटरेस्ट स्टॉक्स को लेके। तो पहले बात तो ये है, मैंने यहाँ पर एक मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया है जहाँ पर हम लोग स्टॉक्स का जो CPE होता है यानी कि कॉल पुट ऑप्शन होता है उसके बाई साइड में इंट्राडे में काम करते हैं। मैं एक वॉच लिस्ट भेज देता हूँ, जब उसके अंदर एक्टिवेशन आता है प्राइस के साथ मैं लाइव मार्केट में इसको बाई करो ऐसे बता देता हूँ व्हाट्सएप में। उसके बाद जब एग्जिट होना होता है लाइव मार्केट में वो भी बताता हूँ प्रॉफिट बुक करो कि इस प्राइस में, और लाइव मार्केट में सारी चीज़ें रहता है ताकि आप लोग उसको देख के खुद ट्रेड ले पाए। तो एक पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो इसका छोटा सा फीस है $799 पर मंथ का। तो अगर आपको लगे कि आप इसके अंदर मेंबरशिप लेना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मैंने दे दिया। चल पड़ते आज के वीडियो के ऊपर और कल के लिए जो फास्ट स्टॉक रहेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। कल के लिए जो फास्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के ऊपर, और ये एक मेटल सेक्टर स्टॉक है और कई दिनों से ये थोड़ा मतलब नीचे आके खड़ा हो गया, मतलब एक कंसोलिडेट कर रहा है बोल सकते हैं, थोड़ा यहाँ पर रेस्ट ले रहा है बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप डाउन कोई भी ट्रेंड अभी नहीं है, थोड़ा साइडवेज है। लेकिन अगर ये जो एरिया बार बार ये रेजिस्टेंस ले रहा है इसको अगर ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देते यानी कि 585 को ब्रेक करके 15 मिनट का एक भी कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे देते तो ये एक लंबा कैंडल ऊपर की तरह बना सकते हैं। तो वहाँ से उसको हम लोग बाय करेंगे, और 577 जो इसका लोअर जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पर रेजिस्टेंस था या सपोर्ट बन गया है, तो ये एरिया अगर ब्रेक करके नीचे 15 मिनट का भी कैंडल क्लोजिंग देते वहाँ से उसको शॉर्ट सेल करेंगे। दोनों ही कैश का लेवल स्क्रीन पे मैंने दे दिया हूँ आपके सामने है, उसको देखिए, अपने अपने रिस्क कैपिटल को देखिए, उसके हिसाब से काम करते रहिए। अब सेकंड व्यू में हम लोग चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर किसी भी तरह का टिप कॉल रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। मैं चार्ट खोल के एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद मेरा व्यू शेयर करता हूँ। तो अपने अपने रिस्क कैपिटल को देखिए, अपने अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ट्रेड कीजिए। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल एंड केस स्टडी पर्पस। सेकंड व्यू में जाने से पहले मैं चार्ट जो व्यू दिया था लास्ट वीडियो को मैं रिव्यू कर देता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट जो व्यू दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, और स्टेट बैंक के अंदर हम लोग का बाइंग लेवल यहाँ पर एक्टिवेशन हुआ था और उसके चलते हुए हम लोगों ने देखे, उसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर गया और 519 के आसपास कुछ हाई लगाया। 520 का हम लोग का टारगेट था, 519 तक गया था, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया, मतलब कोई दिक्कत पैदा नहीं है, छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पर मिला है। सेकंड जो था टाटा कंज्यूमर के ऊपर भी हम लोगों ने देखा छोटा सा प्रॉफिट दिया है, ये लो लगाया था 720 का, छोटा सा प्रॉफिट दिया, हालांकि ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं था, उसके बाद खड़ा हो गया था, तो छोटा सा प्रॉफिट इसके अंदर भी था। विप्रो के अंदर बहुत बढ़िया सेलिंग लेवल एक्टिवेशन हुआ था 589 के नीचे, और उसके बाद 577 का लो लगाया, दोनों टारगेट हम लोग का अचीव हो गया। कोल इंडिया था, उसके अंदर कोई भी एक्टिवेशन नहीं था, तो चारों में से तीन स्टॉक्स के अंदर एक्टिवेशन हुआ था और तीनों के अंदर ही अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। और ऐसे व्यू चार व्यू लो प्राइस इंटरेस्ट स्टॉक्स चार डेली बेसिस पाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं इस जो चार व्यू देता हूं उसके अंदर कोई भी चेंजेस आता है तो वहां पर मैं पोस्ट करता हूं, अपडेट देता हूं। तो वहां पर अभी तक आप हो नहीं तो वहां पर होना आपका जरूरी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहां पर अलग से कोई व्यू मैं नहीं देता हूं, इस बात को गौर से सुनिए। यहां पर जो चार व्यू मैं देता हूं उसका कोई भी अपडेट आता है तो वहां पर अपडेट करता हूं, तो उस हिसाब से अगर ज्वाइन करना है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चल पड़ते हैं हम लोग का सेकंड व्यू, और वो रहेगा टेलीकॉम सेक्टर स्टॉक भारती एयरटेल के ऊपर, उसके अंदर लगातार कुछ ही दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है और ये ऐसा एक मूवमेंट ऊपर की तरफ देगा तो सब देखते रह जाओगे आप, ठीक है। ये बात अब आज लिख लो, आज मैं जो 9th अप्रैल को ये बात बोल रहा हूँ, ऊपर की तरफ इतना जोर से एक मूवमेंट देगा आप देखते रह जाओगे। 773 इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है इसके ऊपर अगर चले जाते हैं एक बार और एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे देते उसके ऊपर से हम लोग इसको बाय कर लेंगे, और 758 बाई चांस अगर इसको तोड़ते हैं नीचे आ सकते हैं, इंट्राडे में तो नीचे आ ही सकते हैं, तो इंट्राडे के बाद यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं तो 758 के नीचे भी 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग देते वहाँ से शॉर्ट सेल करेंगे। लेकिन ये मैं चीज़ बता रहा हूँ अगले कुछ ही दिनों से ये ऊपर की तरफ बहुत बढ़िया मूव दे सकता है। अब थर्ड व्यू में जाने से पहले स्क्रीन पे देखिए मेरा प्रीमियम व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट लिस्ट है जहाँ पर कैश सेगमेंट के अंदर काम किया जाते हैं। मैं डेली बेसिस एक अलग से व्यू देता हूँ वहाँ पर, लाइव मार्केट सपोर्ट देता हूँ वहाँ पर,
और खुद भी ट्रेड करता हूँ वहाँ पर, सारे चीज़ें लाइव मार्केट में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको जोड़ना है, छोटा सा फीस है 599 का। और एक स्क्रीनशॉट देखिए मेरा व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट लीड फॉर निफ्टी ऑप्शन। निफ्टी ऑप्शन के ऊपर अगर आपको बाई साइड में इंट्राडे में काम करना है, यहाँ पर भी छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम लोग काम करते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। तो अगर आपको जोड़ना है, छोटा सा फीस है 699 का। तो अगर आपको लगे इस दोनों के अंदर किसी भी के अंदर ज्वाइन करना है, लाइव मार्केट सपोर्ट चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मैंने दे दिया है। चल पड़ते थर्ड व्यू को देख लेते हैं, और वो एक ऑयल एंड गैस सेक्टर स्टॉक ONGC के ऊपर रहेगा। ONGC लास्ट कुछ ही दिनों से बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद एक करेक्शन हुआ, अब जिस जगह पे खड़ा हुआ है यहाँ से ये ऊपर ही जा सकते हैं। 172 के ऊपर एक भी 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग देगा, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है 172 के आसपास, तो उसके ऊपर अगर जाते हैं तो उसके ऊपर से हम लोग एक भी 15 मिनट का कैंडल बाय क्लोजिंग देने से बाय कर लेंगे। और 168 जो इसका सपोर्ट एरिया है उसको अगर दोबारा ब्रेक करते हैं, उसके नीचे से एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देने से वहाँ से शॉर्ट सेल करेंगे। ईजी प्रोसेस है, मैं यहाँ पर बताता हूँ जो बिगिनर्स है उनके लिए आसानी होगा समझने में। तो दोनों चीजें मैंने कैश का स्क्रीन पे मैंने दे दिया हूं, अपना प्रीवियस कैपिटल को देखिए उसके हिसाब से काम करते रहिए। अब फोर्थ एंड फाइनल व्यू में हम लोग चलेंगे, लेकिन उसके पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को कि दोस्तों यहाँ पर बहुत मेहनत करके मैं डेली बेसिस वीडियो डालता हूँ, तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100, अचीव कर देंगे तो बहुत बढ़िया है। और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ कमेंट करके जाना, जो भी आपको लगे, मतलब कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपका कुछ भी पूछना हो, कोई भी नॉलेज शेयर करना हो, कोई भी चीज़ हो आप बोल सकते हैं, अगर रेलिवेंट होगा मैं जवाब ज़रूर दूंगा। लेकिन कमेंट करके जाना, आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में कमेंट करना, तो कमेंट करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आप कमेंट करके जाना, ठीक है। फोर्थ एंड फाइनल व्यू में चल पड़ते हैं, और रहेगा BPCL के ऊपर, भारत पेट्रोलियम, ये भी एक ऑयल एंड गैस सेक्टर स्टॉक है। इसके अंदर भी बहुत बढ़िया जगह पर ये जो चाल यहाँ पर आया था, यहाँ से ये ऊपर निकल गया, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है, दोबारा ऊपर निकलेगा, और ये टाइम का वेट कर रहा है, थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है एक ही जगह पर खड़ा होकर। इसके अंदर भी ऊपर की तरफ चाल आएगा भयंकर रूप से। 387 के ऊपर एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देने से हम लोग बाय करेंगे, 380 के नीचे एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देने से हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। दोनों ही कैश का लेवल स्क्रीन पे आपके सामने है, अपना रिस्क कैपिटल को देखिए उसके हिसाब से काम करते रहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। एंड स्क्रीन में मैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जोड़ रहा हूँ, मेरा जो शॉर्ट्स आता है डेली बेसिस मोटिवेशन में वीडियो, छोटा छोटा 30-40 सेकंड का, एक मिनट के अंदर एक वीडियो आता है डेली बेसिस में डालता हूँ, उसका पूरा प्लेलिस्ट मैंने डाल दिया, जाके देख लेना, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। ये चीज़ें देखना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके देख लेना उसको। और मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है उसका एक डेमो वीडियो इन स्क्रीन में मैंने जोड़ दिया हूँ, उसको भी जाके देख लेना, उसको देखने के बाद बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। और अगर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर तो मैंने दे ही दिया है, और मेरा वेबसाइट है www.bazaarinside.com, वहाँ पर जाके भी आप वहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद जय भारत।